आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की एक नए तरीके की सब्जी, जिसे कि मैंने बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल करके बनाया है और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच खसखस और 1 चम्मच राई लिया है। इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर 10 मिनट के लिए इसे सोख कर लेंगे। भिंडी को बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। यह 500 ग्राम भिंडी है। 2 कटा हुआ टमाटर लेंगे। 2 प्याज भी लिया है कटा हुआ। 8 से 9 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं। 3 से 4 मिर्ची ले लें, आप जैसे तीखा खाना पसंद करें। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। हल्दी लेंगे 1/2 चम्मच। चलिए अब हम सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पैन को गर्म करेंगे और इसमें 1 चम्मच हम राई का तेल डालेंगे। अब इसमें भिंडी डाल देंगे। अब भिंडी को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि यह 80% अच्छे से पक ना जाए। देखिए अब इस तरह हम चलाते चलाते पका लेंगे इसे। लगभग देखिए हमारी भिंडी आधी से ज़्यादा पक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। अब उसी पैन में हम तेल डालेंगे। 2 चम्मच हमने यहाँ तेल डाला है। अब इसमें जीरा डालेंगे, इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब कटा हुआ प्याज और लहसुन डाल देंगे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। इसे लगातार चलाते चलाते भून लेंगे। देखिए यह भुन चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हम तब तक भुनेंगे जब तक कि यह अच्छे से नरम ना हो जाए। देखिए धीरे धीरे नरम हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फिर इसे हम ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे और अब इसमें हम मिर्ची डालेंगे और भिगाया हुआ खसखस और राई डाल देंगे और इसे अच्छे से हम एकदम फाइन पेस्ट में पीसेंगे, पीस लेंगे। अब इसे हम पैन में डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा तेल और डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तेल नहीं डाला है क्योंकि पैन में ऑलरेडी तेल था। इसे हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर मिलाएंगे और इसे मिक्स करेंगे और हम 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से लो फ्लेम पर भुनेंगे। किस तरह लगातार चलाते चलाते भून लें। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लें। अब थोड़ी पत्ती ग्रेवी चाहें तो और पानी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा ही डाला है। और इसमें नमक डाल दें, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रेवी को 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए हो गया है। अब इसे हम चलाकर इसमें हम फिर भिंडी को डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम ढककर 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए इस तरह चला लें। 6 से 7 मिनट हो गया है, हमारी भिंडी की सब्जी तैयार हो गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच ऊपर से राई का तेल डालेंगे, इससे और स्वाद बढ़ जाता है इसका। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और गैस को बंद कर दें। आप चाहें तो भिंडी को निकाल कर एक बार चेक कर सकते हैं यह पका है कि नहीं। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठा या नान के साथ परोसे। सब्जी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।